तो गाइस वेलकम है बैक टू चैनल। तो आप सब कैसे हो, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आगे एक और वीडियो के साथ में आज जो वीडियो होने वाला है बैलून डेकोरेशन के ऊपर, नहीं भाई फ्लावर डेकोरेशन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बैलून का दो तीन वीडियो डाल चुका हूँ तो फ्लावर का नहीं डाला। तो आज हमारा फ्लावर का काम है, तो आज हम वही जा रहे हैं डेकोरेशन करने। किस तरीके से डेकोरेशन करेंगे वो सब आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, खाली जाल में कपड़ा लगेगा, फ्लावर लगेगा, किस तरीके से लगेगा वो सब आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में, और आप जाके देख लेना। तो भाई पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप देख सको और सीख सको। तो चलो चलते हैं जल्दी। भाई क्या कर रहे हैं? तो भाई अजीत भाई लग रहा है कपड़ा निकाल रहे हैं, कपड़ा निकाल लिए, ये पिच कलर भी निकाल लिए हैं वाइट। तो अभी कौन सा अजीत भाई, पतला वाला भी निकाल लेना, वाइट वाला साइड साइड में जो उसमें लगा है पतला भी लगा है। तो रेड कलर भी कपड़ा थोड़ा बहुत लगेगा उसमें, टेस्टिंग होगा रेड कपड़ा का हल्का सा। साइड में एक तो वाइट कपड़ा भी लगा है थोड़ा पतला वाला, और एक तो ले लेना। तो एक और कपड़ा ले लेते हैं वाइट वाला, बस बहुत कपड़ा हो गया नहीं है। पिच कितना चाहिए बस? कितना तुम निकाले हो लाल, और क्यों निकाल रहे हो? पिच कितना कपड़ा निकाले हो? चार। गोदाम को सही करना पड़ेगा यार, सब ऐसे पड़ा हुआ। अच्छा चले, इधर ग्रीन मैट पड़ा है। अभी वो फूल का एक एक गठरी निकाल लेते हैं। वाइट देखो तो कितना कपड़ा अजीत भाई निकाल रहे हैं, क्या क्या कपड़ा लगेगा, पिच कलर और वाइट कलर क्या क्या कपड़ा लगेगा वो निकाल लिए हैं। उसके बाद निकाल लेते हैं फ्लावर का बॉर्डर। और आज ट्रस नहीं लगेगा, खाली जाल लगेगा। तो जाल कैसा वाला लगेगा वो अभी दूसरे गोडाउन से निकालेंगे जाल, तब आपको दिखाएंगे। उसमें ट्रस नहीं लगेगा, एक भी ट्रस नहीं लगेगा, सिर्फ जाल लगाए, जाल में ही काम होगा। आज जो हमारा फ्लावर का काम होना है ये जाल लगेगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से है हमारा फ्रेम, और इसमें स्टैंड लगेगा नीचे से इसको खड़ा करने के लिए। जो साइड में लगेगा वो ये वाला लगेगा, ठीक है? तो देख सकते हो ये साइड वाला है, और ये यहाँ थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है।